जल्दी जा सकते हैं, वरना 1.5 घंटे का सेशन रहेगा। आपके लिए आए हुए हैं, हमारा काम सिर्फ आपकी खिदमत के लिए आए हुए हैं। पहले माइनॉरिटीज के बारे में बोलते, उसके बाद अदर के बारे में इंशाल्लाह बोलते हैं। फर्स्ट सुनिए, गौर से समाज फरमाइए, आप आगे डिग्री पढ़ने जा रहे या फिर पीयूसी के स्टूडेंट यहाँ पर वाके हैं, उन्होंने नीट देना चाह रहे या फिर सीईटी जेई जेडब्ल्यूई जो भी एग्जाम देने जा रहे, आपको इन सर्टिफिकेट कितने भी है, तकरीबन 5-6 है, ये पूरे सर्टिफिकेट्स आपको बेहद जरूरी है, वरना आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता। तो मैं सबसे पहले आता हूँ 5 सर्टिफिकेट के बारे में। 5 सर्टिफिकेट माइनॉरिटी में 3 सर्टिफिकेट आते, एक जनरल 2B और सेकेंड 2A का सर्टिफिकेट, थर्ड 1 कैटेगरी 1, 3 कास्ट में बाइफरकेट करे हुए हैं माइनॉरिटी को। आप 2B में कौन आते हैं बोले तो, 2B में वो लोग आते हैं जो शेख सैयद रहते हैं और पठान रहते हैं, वो लोग 2B में आते हैं। और 2A में कौन आते हैं बोले तो, दर्जी फूलमाली फूला बेचते वो लोग आते हैं। और कैटेगरी 1 में मुजावरा दरवेश दुर्वेश शालोगा ये लोग पूरे कैटेगरी 1 में आते हैं। आज तक माइनॉरिटी को मालूम इतने सिर्फ 2B निकाले कर आते हैं, सही है ना? हाँ, ये तीन चीजों, ये तीनों कैटेगरी माइनॉरिटीज के लिए हैं। एक सुनो गौर से, बड़े बच्चे ऐसा आवाज़ दे रहे तो कैसा थी तुम, आगे एक साल के बाद तुम्हारा तुम्हारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती तुम्हारे पास, तो पास के लिहाज से ये तीन चीजें हैं। उसके बाद आइए आप नेक्स्ट माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, जो भी माइनॉरिटी मुस्लिम है उनके लिए सर्टिफिकेट बनाना बेहद जरूरी है, ताकि आगे आपको इस चीज का फायदा हो सकता। उसके बाद रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, थर्ड 1 फोर्थ 1 क्या है, ओबीसी, ओबीसी का फुल फॉर्म है अदर बैकवर्ड क्लासेस सर्टिफिकेट। ये कैसा होता है बोले तो,